नमस्ते, मैं हूँ लक्ष्मी। एलएस किचन में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का सीजन है तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कम सामानों में बनने वाली ये मिठाई। तो इस रक्षाबंधन आप भी इस मिठाई को जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रक्षाबंधन ये स्पेशल मिठाई। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे इसी चम्मच से 3 चम्मच सूजी। सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस थोड़ा ही भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ये देखिए सूजी हमारा अच्छे से भून गया है, देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम गैस बंद कर देंगे। सूजी हमारा भून गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। एक प्लेट पर निकाल लेंगे इसे। अब हम गैस पर दूध रखेंगे। ये 1 लीटर दूध है, मैं पैकेट वाला दूध ली हूँ। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, हो सके तो फुल क्रीम वाला दूध ही ले, जिससे मिठाई ज़्यादा अच्छा बनेगा। गैस का फ्लेम मैं हाई पर रखी हूँ। आप कुछ काम कर रहे हो तो गैस का फ्लेम कम भी कर सकते हैं। दूध को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। इस तरह से साइड का मलाई निकालते हुए मिला के हमें दूध को पकाना है। अब त्योहारों का सीजन है तो घर में सभी मिठाई बनाते हैं। ये सिंपल सी मिठाई है, बहुत ही आसान और कम सामानों में बन जाएगी, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। बाज़ार से जो मिठाई लेते हैं वो काफ़ी मिलावटी होता है, और त्योहारों के सीजन में तो और भी ज़्यादा। इससे अच्छा है कि घर पर ही बना लें। अब हम डालेंगे 6 चम्मच शक्कर। जिस चम्मच से हम सूजी लिए थे उसी चम्मच से 6 चम्मच। अगर आपको मीठा कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। आप इसमें पाउडर या कुटी हुई इलायची कोई भी डाल सकते हैं। इलायची से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम उसी चम्मच से 2 चम्मच खोपरा डाल देंगे। मिला देंगे इसे अच्छे से। खोपरा डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाएगा। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम जो सूजी भून कर रखे थे उसे भी डाल देंगे। मिला देंगे इसे अच्छे से और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए ये गाढ़ा होते जा रहा है, तो चम्मच चलाते रहें, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अगर बाज़ार की मिलावटी मिठाई से बचना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये देखिए किस तरह से चम्मच चलाते रहें, ये अच्छे से हो गया है। ये अब पैन छोड़ने लगा है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। अब मिठाई को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये मिक्सर अलग कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें कलर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला देंगे। गैस हमारा बंद है और इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो एक कलर पर ही बना सकते हैं। ये देखिए कलर वाला मिक्सचर भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से पॉलीथीन जो मैं इसे धोकर साफ करके ली हूँ, इसमें थोड़ा सा घी लगा लें और हम मिक्सचर को
अच्छा ठंडा होने देंगे थोड़ा। फिर इस तरह से बेलन से हम इसे हल्के हाथों से ऐसे बेल लेंगे, इसे थोड़ा पतला करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये हमारा जो कलर वाला मिक्सर है इसे इस तरह से गोल शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम जो बेल कर रखे थे मिक्सर उसी के ऊपर इस तरह से इसे रख देंगे कलर वाला, और इसे हल्के हाथों से इस तरह से इस पर गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से गोल इसे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, बराबर कर देंगे इसे। ये देखिए। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसी पॉलीथीन में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए। अब हम इसे 5-6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 5 घंटे के बाद ये देखिए मिठाई हमारा कितने अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट और बढ़िया मिठाई बनकर हमारा तैयार है। तो आप भी इसे त्योहारों पर और रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।